हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मौर्य प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक क्वेश्चन के ऊपर है जो ट्रेनी ने कल किया, सुखजीत सिंह ने। सवाल ये है कि वो मतलब चाहते हैं कि हम राजस्थान में जमीन खरीद लें, लेकिन जो आदमियों को नॉलेज नहीं है नीम हकीम खतरा जान वाली, वो उनको उन्होंने बता दिया कि वो राजस्थान में जमीन खरीद ही नहीं सकते। भाई बिना नॉलेज के कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी रहती है। पूरी नॉलेज आपको हो तभी आप आगे बात कर सकते हो। मैंने राजस्थान में बहुत काम किया, अच्छे तरीके से अच्छी जमीनें खरीदी हैं, अपने नाम पे भी खरीदी हैं, लोगों को भी लेके दी हैं। राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने में कोई मनाही नहीं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वो आपके साथ मैं डिस्कस कर दूं, ताकि यदि आपका मन है राजस्थान में कोई काम करने का, राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने का, राजस्थान में खेती बाड़ी वाली जमीन खरीदने का, तो आप वो स्टेप आप ले सके। तो सबसे पहले हमने इसमें ना एक ओपन लैंड और क्लोज लैंड, ये दो में, ये क्लोज लैंड कौन सी है जिसमें नदी, ये नहर का पानी लगता है, उसको क्लोज लैंड है। वो हमें पंजाब वालों को या दूसरे स्टेट वालों को खरीदने पे उसकी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, या उसकी परमिशन नहीं मिलती, ये समझो ये नहीं खरीद सकते। लेकिन ओपन लैंड आप कहीं भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन लैंड का मतलब जिसको पानी नहीं लगता वो खरीद सकते हो, और ये भी राजस्थान के कुछ एरिए में है। और यदि हम दूसरी बात करें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारह, इधर की बात करें, तो वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो आप जहां भी चाहो, जैसी चाहो जमीन खरीद सकते हो, लेकिन वहां एससी एसटी कैटेगरी अलग है और जनरल कैटेगरी अलग है। अब जनरल कैटेगरी वाला बंदा एससी एसटी की जमीन नहीं खरीद सकता, ये क्लियर कर लो। और एससी जमीन एससी की तो खरीद ही सकता है, एसटी वाला एसटी की भी खरीद सकता है, एससी वाला बंदा जनरल की जमीन तो खरीद सकता है, लेकिन जनरल वाला एससी एसटी की जमीन नहीं खरीद सकता। सिर्फ इतनी सी रिस्ट्रिक्शन है। पहले भी लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए थे कि हम राजस्थान में जमीन नहीं खरीद सकते, और कई लोग आके मेरे से बहस करते हैं, और कई बार उनको रजिस्ट्री की फोटो कॉपी भेजनी पड़ती है कि भाई नहीं ये हो सकता है। तो यदि वहां पर ना हो सकता हो तो मैं राजस्थान में कैसे काम कर सकता हूं। तो दोस्तों, जो अधूरी जानकारी है वो हमेशा ही खतरनाक रहती है। नीम हकीम खतरा जान तभी ही कहा जाता है। सो आपने कोई मतलब चिंता नहीं करनी, आप बिल्कुल ले सकते हो मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में। मैंने एक चैप्टर दिया था कि आप राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसको देख के कम से कम पंजाब के 300-400 परिवार हैं जो उन्होंने राजस्थान में जमीन खरीदी और खुशहाली के राह पर हैं। सो आप ही राजस्थान में जमीन खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप जब भी चाहो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। मतलब यदि आप राजस्थान में जमीन खरीदने का आपका सपना है तो उसको पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं।